दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में कई प्राचीन मंदिर आज भी सर्वश्रेष्ठ धरोहर हैं, जिनसे जुड़े रहस्य आज तक राज बने हुए हैं। भारत में वैसे तो हजारों रहस्यमयी मंदिर हैं, और भारत में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम हर किसी के दिल में है, इसलिए शायद मंदिरों का महत्व भारत में बहुत ज्यादा है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको भारत के 5 ऐसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे करणी माता मंदिर के। दोस्तों, करणी माता का यह मंदिर जो बीकानेर राजस्थान में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, उनके इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बकायदा भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पांव घिसट कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आ गया तो ये अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक भी चूहा अगर आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप मान लीजिए कि आप पर देवी की कृपा हो गई, और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूरी हुई समझो। खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण थे कि उस काल के राजा ने सेक्स को समर्पित मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला बनवाई, और ये रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह खजुराहो। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इस मंदिर का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। इतिहास में इन मंदिरों का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो अबू रिहान अल बरूनी और अल मुसाफिर इब्न बतूता का है। कलापार की चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन उनमें से सिर्फ 22 मंदिरों की ही खोज हो पाई है। ये मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन संप्रदायों से संबंधित है। कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है, जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए हैं। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अंबुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती है, और माँ भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्य के बारे में किताबें कई सारी लिखी गई हैं। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे इस मंदिर के चमत्कारिक और रहस्यमयी होने का पता चलता है। कन्याकुमारी मंदिर। समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती को कन्या रूप में पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर के ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में आश्चर्यजनक रूप से कंकर बन गए। कन्याकुमारी के समुद्री तट की रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकड़ बड़ी मात्रा में अब भी वहां देखे जा सकते हैं। अमरोहा का बिच्छू वाला मजार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक दरगाह है जहां ये बिच्छू भी संत हैं। कहते हैं कि बिच्छू का कांटा पानी मांगे बिना मर जाता है, पर यहां के बिच्छू को आप हथेली पर लेकर घूम सकते हैं। बिच्छू अमरोहा के हजरत शाह विलायत की दरगाह में हर कोने में छुपे हुए हैं। यहां किसी भी दीवार, किसी पेड़ या किसी भी कोने की मिट्टी जरा से हटाते ही सैकड़ों की तादाद में बिच्छू निकल आते हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि न तो ये किसी को काटते हैं न परेशान करते हैं। आप इन्हें हाथ में भी उठा सकते हैं, और ये 800 साल पुरानी कहानी है। इस दरगाह में बिच्छू कैसे आए और पालतू कैसे बने, इसकी कहानी करीब 800 साल पुरानी बताई जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इनमें से किसी भी मंदिर में कभी गए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में उस मंदिर का नाम लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।